और इसराइल हमास वॉर पर तुर्की का बड़ा बयान आया है, इसराइल का साथ देने वालों पर हमला करेंगे, इस तरह की बात ये उन्होंने कही है, अटैक किया है और कहा कि इसराइल का साथ देने वाले युद्ध में अपराधी हैं। तुर्की का यह बयान आया है, तो जुबानी हमला किया है तुर्की ने और कहा कि इसराइल का साथ देने वाले लोग अपराधी हैं। तो लगातार जंग जारी है और देखिए जंग का आज है 19वां दिन और अब तुर्की का बयान आया है सामने। तुर्की का कहना है कि इसराइल का साथ देने वालों पर भी अटैक किया जाएगा, इसराइल के साथ युद्ध में वो भी अपराधी है और उन पर भी हमला होना चाहिए, इस तरह की बातें तुर्की की तरफ से कही जा रही है। तो तुर्की हालांकि इस जंग में नहीं कूद रहा लेकिन जुबानी जंग छेड़ रहा है और आरोप लगा रहा है कि जो लोग भी इसराइल का साथ दे रहे हैं वो अपराधी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसने अमेरिका पर भी हमला बोला है।